Hey everyone, hope all of you doing very well. Welcome to D4Force Immigrations. आज का हमारा टॉपिक है कि क्या स्टूडेंट वीजा हो जाता है 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, कुछ लोगों का तो 40 साल में भी हो जाता है. तो इसी के बारे में बात करेंगे. तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले कर लीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आने वाली है आपके लिए. तो देखो, जो स्टूडेंट वीजा है बहुत सारे लोगों का आता है, 40 के बाद भी आता है. लेकिन अगर आप प्लस टू करके पढ़ाई छोड़ दी थी तो फिर रहने दो, फिर नहीं आएगा. लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन करी थी और उसके बाद आपने एक अच्छा काम करा है, एक अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है, एक कहानी बन रही है, उसके बाद आईएलटीएस में आपका अच्छा स्कोर है, तो यस, दिस इज पॉसिबल. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो है ही ऐसे लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट के, लीडरशिप के, एमबीएस के, बहुत सारे प्रोग्राम है. लेकिन एक ही शर्त है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने चाहिए और इस केस को रिप्रेजेंट बड़े ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है, एक बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है एम्बेसी को कि इतने साल बाद फिर मैं स्टडी क्यों कर रहा हूं. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो मेरी पिछली पढ़ाई से रिलेटेड था और अब जो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं मुझे और बेनिफिट करने वाली है मेरे फ्यूचर में, ठीक है. ये केस बड़े ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन यस, दिस इज पॉसिबल ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी, प्लस टू वाले के लिए नहीं, उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं, ठीक है. और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास जेन्युइन था, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आईएलटीएस का स्कोर आपको बेटर चाहिए, एक अच्छा आईएलटीएस स्कोर आपको चाहिए होता है, एक अच्छी प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो है ही ऐसे लोगों के लिए. लोगों को समझ नहीं है ज्यादातर लोगों को, मोस्ट ऑफ द एजेंट जिनके पास आप जाते हो, ज्यादा गैप वगैरह देख के उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उनको एसओपी नहीं लिखनी आती. वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, एक दो तीन एसओपीज पढ़ी हैं, उसी में नाम चेंज एंड डन. देखो, एसओपी लिखने का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना केस को, बात करना जिस बंदे ने आपको वीजा देना. सबसे ज्यादा जो चीज पढ़ी जाती है ना वो एसओपी है. एक कहानी नजर आनी चाहिए, एक स्टोरी बननी चाहिए, पढ़ाई के बाद ऐसे ऐसे वो काम किया, वो काम के साथ साथ अब ये करूंगा और इसका ये फायदा होने वाला है. और यही कॉलेज क्यों, यही प्रोग्राम क्यों, कनाडा ही क्यों, ठीक है, अच्छे से अगर इसको रिप्रेजेंट करा जाए तो यस, इट इज इजी टू गेट स्टूडेंट वीजा आफ्टर 30s, इवन आफ्टर 40s. सो होप आपको आंसर मिल चुका होगा, ठीक है. प्रोग्राम कैसे चूज करने हैं जो आपके एक्सपीरियंस से मैच करें, आपके एक्सपीरियंस में हेल्पफुल करें. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी इंफॉर्मेशन आएगी, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. थैंक यू.